वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सॉक्स बनाने के तरीके लेकर आए हैं। या देखिए, हम नीड का सॉक्स बनाकर रखे हैं। यह लेडीज जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। इसे हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर ख़त्म किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 50 फंदे का बॉर्डर बुन लेते हैं, उसके बाद इसे बनाएंगे। देखिए, हम 50 फंदा लिए हैं या बॉर्डर बना लिए हैं उल्टा उल्टा बुनकर। आप कोई भी डिजाइन में बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन उल्टा में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ हम 1 इंच बॉर्डर बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ उल्टा उल्टा जो है 2, 3, 4 और 5 बुन करके सीधा जो है हम बुनेंगे। उल्टा सीधा, आगे से सीधा, पीछे से उल्टा, इस तरीके से बुनते हुए। और यहाँ हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से बुनते हुए हम अपने एड़ी से लेकर पंजा तक बुनेंगे। अपने पाँव के हिसाब से बुनकर तैयार कर लेते हैं दोनों पैर का। देखिए, हम दोनों पार्ट को बुन लिए हैं। यह दोनों पैर का सॉक्स बनकर तैयार होगा। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यह देखिए, यह सॉक्स का एक तरफ इधर से घटाना है और एक तरफ इधर से दो पार्ट में करना है। दोनों सॉक्स दो तरीके से बुनाई होगी। सबसे पहले हम देखिए बाएं पैर का सॉक्स बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा टोटल 50 फंदा है। तो 50 फंदा में हम 20 फंदा यानी 20 फंदा का हम अंगूठा बनाएंगे और बाकी इधर जो फंदा है इसका हम पंजे का ऊपर का भाग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम 20 फंदा को इस तरीके से सीधा सीधा पहले हम बुन लेते हैं। 20 फंदे को हमें बुन लेना है। यहाँ देखिए, अब दो भाग में हम फंदा को बांट लेते हैं इस तरीके से। 10 फंदा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद हम इस तरीके से इधर का फंदा भी हम सिलाई पर उतार लेते हैं। 10 फंदा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ देखिए, इस तरीके से जो है उतारने के बाद यहाँ यह इस तरीके का होगा, यह अंगूठा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10-10 फंदा हम दोनों सिलाई पर इस तरीके से आगे की ओर सिलाई को डालते हुए उठाना है। अब क्या करेंगे, हम 1 फंदा इस सिलाई से और 1 फंदा इस सिलाई से हम तीसरी सिलाई पर डालेंगे, एक इधर से और एक इधर से। इस तरीके से डालकर हमें एक सिलाई पर डालनी है, एक इधर और एक इधर से। इस तरीके से हमारा फंदा जो है एक सिलाई पर हो रहा है। अब आगे देखिए हम इसकी बुनाई किस तरीके से करते हैं। अब यह जो बुनाई होगी इसमें सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, यह जो फंदा पीछे वाला है इसे हम उठा लेंगे और इसे हम बुन लेते हैं इस तरीके से। देखिए, यह फंदा हम, यह जो पीछे वाला है इसे हम उठा लेंगे और इसे बुन लेंगे। यह देखिए, इसे उठा लेना है और इसे बुन लेना है। यह देखिए, ये जो गांठ वाला पार्ट है यह पीछे वाला है, इसे उठा लेना है। आगे जो है उल्टा इस तरीके से हमें
बुनते हुए। आप चाहें तो चार सिलाई पे भी बुन सकते हैं, हम इसे दो सिलाई पर बुन रहे हैं। हमेशा अपने बुनाई पर इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो बुनने में आसानी होगी। यह देखिए, ऐसे उठा लेना है और इसे बुन लेना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड से बुनते जाते हैं। यह देखिए, इस साइड से भी हमें उसी तरीके से यह जो पार्ट है, यह उठा हुआ जो भाग है, इसे हम देखिए बुन लेते हैं। यहाँ जो देखिए, यह जो पार्ट एक उठा लेना है और एक इसे जो है बुन लेना है, और यह पीछे वाले को उठा लेना है, आगे वाले को बुन लेना है। ये पीछे वाले को उठाना है, आगे वाले को, इसी तरीके से बुनते हुए हम आगे की ओर जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, उठाना है और एक बुनना है, एक उठाना है और एक इस तरीके से बुनते हुए हम लगभग छः रो इसी तरीके से हम बुनेंगे। उसके बाद दोनों साइड से हम, यह हमारा दो रो कंप्लीट हो गया है। यह देख सकते हैं आप, अंदर से हमारा देखिए इस तरीके का बुनाई हो रहा है। अंदर साइड से हमें सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमें बुनते हुए लगभग चार, यहाँ दो हम रो बुन चुके हैं और चार रो बुनने के बाद हम दोनों साइड से एक एक फंदा को हम घटाते जाएंगे। यहाँ देखिए, यह आगे वाला भाग है, इसे हम इस तरीके से एक बार फिर देखिए, इसे हम उठा लेंगे और इसे हम बुन लेते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, इसे उठाना है और इसे बुनते हुए लगभग हम चार रो और बुनेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यह देखिए हम इसकी बुनाई कर रहे हैं दो सिलाई पर, और यहाँ देखिए साइड से यह इस तरीके का बन रहा है। अंदर की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर की ओर यह बुनाई हो रही है। आपको ध्यान रखना है कि एक फंदा भी छूटना नहीं चाहिए। एक फंदा को उठाना है, एक फंदा को बुनना है। आप अपने अंगूठे से नाप लेकर इसे बुन सकते हैं, बड़ा छोटा। हम यहाँ इसे पहले हम दो रो बुने थे, उसके बाद छः या आठ रो आप बुनेंगे, उसके बाद घटाएंगे। यहाँ अभी हमारा दो रो यानी चार रो हुआ है और हमें चार रो बुनना है, तो हम इसे बुनते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आपको हम बताए थे। एक उठा लेना है और एक बुन लेना है। इसे हमें आगे की ओर और पीछे की ओर रिपीट करते हुए जाना है। एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए आपका, नहीं तो आपका अगर सिलाई गलती से दो फंदा एक साथ बुन लेंगे तो फिर बीच में दोनों फंदा आपस में सट जाएगा। इसीलिए एक फंदा उठाना, एक फंदा हमेशा बुनना है। आगे और पीछे का फंदा जब आप शुरू में लेंगे तो हमेशा बराबर बराबर फंदा लेंगे, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, बुन लिए हम यहाँ से, यहाँ एक बार काउंट करके दिखा देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदा, छः रो हम बुन लिए हैं। यह देखिए, यहाँ से इतना आधा अंगूठा हो जाने के बाद हम इसकी घटाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, दो फंदा हम यहाँ से दो फंदा एक साथ बुनेंगे इस ओर, और यहाँ देखिए यह पीछे वाला भाग है, इसे उठा लेंगे। उसी तरीके से बुनना है, यहाँ उठा लेना है, यहाँ बुन लेना है, यहाँ उठाना है। इसी तरीके से बुनते हुए हम जो है जाएंगे और साइड से, दोनों साइड से हम एक एक फंदा को घटाएंगे। यह देखिए, एक फंदा यहाँ घट गया। अब देखिए इस साइड भी हम, यहाँ देखिए इस साइड भी हम एक फंदा को हम
दो फंदा एक साथ बुनेंगे, दोनों तरफ एक एक फंदा को बुनते हुए हम जिस तरीके से बुनते हैं उसी तरीके से हम बुनते जाएंगे। और ऊपर की ओर थोड़ा हम आधा अंगूठा बुनते हुए हम इसे घटाएंगे, पूरा अंगूठा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी बुनाई जो है ऊपर बंद कर देते हैं। तो हम दोनों ओर फंदा को घटाते जाते हैं अंगूठे तक, बुनाई उसी तरीके से करना है, एक उठाना एक बुनना है। अब देखिए यहाँ एक फंदा हम बुने हैं, एक उठा लेंगे। अब इसी तरीके से हम दोनों ओर हर रो में घटाते हुए अंगूठे तक जाएंगे, फिर वापस से हम दो फंदा को आगे से इस तरीके से घटाएंगे और यहाँ से भी पीछे से भी घटाते हुए अंगूठा तक जाएंगे। तो हम इसे बुनते हुए जाते हैं, इसे बुनते जाना है। हाँ देखिए हमारा दोनों तरफ घटने के बाद कितना फंदा बचा है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदा है। तो हम अंगूठे को नाप लेंगे कि हमारा अंगूठा से यह यहाँ से हुआ है कि नहीं, अगर कम लग रहा है तो हम एक दो फंदा और घटाकर उसके बाद हम ऊपर बंद कर देंगे। उसी तरीके से बुनने के बाद यहाँ देखिए अब दोनों तरफ एक एक फंदा को घटाते हुए ऊपर की ओर आए हैं, यहाँ इस तरीके से। अब हमारा एक फंदा और घटा है 12 में से, तो हमारा उसके बाद 10 फंदा अब बचेगा, एक फंदा और घटाएंगे तो हमारा इस तरीके से इसे उठा लेते हैं और इसे बुन लेते हैं, इसे उठाएंगे और इसे बुन लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कितना बड़ा अंगूठा का है इस तरीके का। देखिए दोनों साइड घटने के बाद आपको दिख रहा होगा यह दोनों साइड इधर भी और इधर भी घटा है और अंदर में दोनों गोल्ड जैसा हो गया है दोनों ओर। तो हम अब अंगूठे को ऊपर की ओर बंद कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ देखिए एक रो और बुन लेते हैं, उसके बाद अंगूठे को हम ऊपर बंद कर देंगे इस तरीके से यहाँ। अब हम बैक साइड से इसे हम देखिए बैक या फ्रंट से भी आप बंद कर सकते हैं। तो हम एक एक फंदा जो है जिस तरीके से हम फंदा को बंद करते हैं उसी तरीके से हम बंद कर देंगे, यहाँ देखिए इस तरीके से फंदा को हम अब बंद कर रहे हैं। हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया है इस तरीके से, यह देखिए सारा फंदा जो है हम बंद कर लिए हैं इस तरीके से, बंद हो गया। अब लास्ट में हम एक गांठ लगा देते हैं इस तरीके से, गांठ लगा देने के बाद हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेते हैं। देखिए हमारा अंगूठा इस तरीके का बन गया है। उसी तरीके से हम पंजे का, अब हमारा यहाँ 20 लिए थे फंदा हम, तो यहाँ हमारा 30 फंदा बचा है। 30 फंदा को हम दो भाग में बांट लेंगे, उसके बाद इसी तरीके से हमें बुनना है। एक बार इस अंगूठा को आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से देखिए हमारा अंगूठा बनकर तैयार हुआ है, यह देखिए इस तरीके का, यह जो है लेफ्ट साइड का बना है अभी। और इधर हम इसे बुनेंगे, पंजे को बुनना है उसी जिस तरीके से इसे बुने हैं, तो हम इसे बैक कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसे दो भाग में, इस फंदे को दो भाग में हम बांट लेते हैं कि इस तरीके से हम 15 फंदा को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से हम दोनों फंदा को हम इस तरीके से जिस तरीके से हम देखे होंगे आप अंगूठा में
रखे थे उसी तरीके से हम इसे भी 15-15 भाग में बांट लिए हैं। अब हम उसी तरीके से जैसे हम अंगूठा में एक इधर का और एक इधर का उठाए थे, तो हम उठा ले एक इधर से और एक इधर से लेना है, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, इधर बैक से एक फ्रंट से, एक बैक से एक फ्रंट से, फिर एक बैक से, फिर एक फ्रंट से, फिर एक बैक एक फ्रंट। इसी तरीके से हम देखिए यहाँ फंदा को तो हम एक सिलाई पर डाल लिए हैं। अब यहाँ हम एक इस तरीके से धागे को लगा करके उसी तरीके से जैसे हम इसको बुने थे उसी तरीके से हम दो सिलाई पर इसे भी बुन लेते हैं। हम यहाँ देखिए एक फंदा पर, एक सिलाई पर हम सारे फंदा को कर लिए हैं। जिस तरीके से हम इसकी बुनाई किए थे अंगूठा का उसी तरीके से इसे भी बुनना है। एक बुन लेना है इस तरीके से और एक पीछे वाले को उठा लेना है, एक बुनना है और एक उठा लेना है। इस तरीके से बुनते हुए आगे और पीछे अंगूठे के तरह ही बुनना है इसे भी पंजे को। और 6 रो कंप्लीट होने पे, यहाँ से 6 रो कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर फिर दोनों तरफ घटाएंगे एक एक फंदा को। इसी तरीके से हम देखिए पूरा रो जो है आगे और पीछे कंप्लीट कर लेते हैं। यह देखिए यह हमारा रो जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम बैक साइड से भी इसी तरीके से बुनते हुए हम 6 रो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। उसके बाद फिर दोनों साइड हमें घटाना है। देखिए हम जिस तरीके से अंगूठा में 6 रो बुने थे उसी तरीके से हम इसे भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 रो हम बुन चुके हैं। अब दोनों साइड से हम दो दो फंदा, एक दो फंदा इसी तरीके से जिस तरीके से अंगूठे में घटाए थे उसी तरीके से बुनते जाना है। इस तरीके से बुनते हुए बैक साइड में भी एक फंदा को हम घटाएंगे, एक उठाना है और एक बुनना है। यहाँ देखिए इस तरीके से बुनते हुए फ्रंट से हम बैक में जाएंगे और फिर उसी तरीके से पीछे से भी हम दो फंदा को हम यहाँ इस तरीके से बुनेंगे। यह देखिए बुनना है, फिर इसे बुनना है इस तरीके से। दो दो फंदा जो एक एक फंदा दोनों साइड आगे और पीछे से हमें बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। हर रो में हमें एक एक फंदा घटाना है। देखिए हमारा पंजा और अंगूठा दोनों बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइड एक एक फंदा हम घटा दिए हैं, तो हमारा यहाँ लगभग 20 फंदा यहाँ बचा है। एक बार काउंट करके दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब क्या करेंगे हम, यह देखिए दोनों हमारा एक साइज का दिख रहा है अंगूठा और पंजा। अब हम जिस तरीके से इसे हम बंद किए थे अंगूठे को उसी तरीके से हम इसे भी हम बंद कर देते हैं। इस तरीके से देखिए हम बंद कर देंगे, यहाँ इस तरीके से बंद कर देना है। इस तरीके से हम बंद करते हुए टोटल फंदा को हम बंद कर देंगे। यहाँ तक बंद करते हैं हम। अब यहाँ देखिए यह कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से बुन करके लास्ट हम एक फंदा बचा हुआ है हमारा, हम इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं। यह हमारा पंजा देखिए बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम आपको सीधा करके एक बार दिखा देते हैं। यह
लेफ्ट साइड का पैर का सॉक्स यानी जूती बनकर तैयार हुआ है। यह देखिए इस तरीके से हमें सीधा करना है, देख सकते हैं आप। अब दूसरा जो है यह देखिए इस तरीके से हमारा यह लेफ्ट साइड का बनकर तैयार हुआ है। सीधा करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यह जो भाग है इसकी सिलाई हम यहाँ से यहाँ करते हैं। अब दूसरा पार्ट भी सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों सॉक्स को एक साथ सिलाई करेंगे। यह देखिए इस तरीके से यह लेफ्ट साइड का बना है, राइट साइड का अभी हमारा बनाना बाकी है, तो हम पहले राइट साइड का पहले बना लेते हैं। यहाँ देखिए आपको हम बताए थे कि जब हम लेफ्ट साइड का बना रहे थे तो हम यहाँ से 20 फंदा लिए थे, अब हम राइट साइड का बना रहे हैं तो अब हम इस साइड हमें अंगूठा पहले बनाना है। राइट साइड में तो हम पहले अंगूठा बनाएंगे और लेफ्ट साइड में पहले बनाए थे, अब हम पहले शुरू में ही हम इस तरीके से यहाँ 20 फंदा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 20 फंदा हमें रखना है, 16 17 18 19 20 यानी 20 फंदा हम यहाँ टोटल लिए हैं। 20 फंदा में हम क्या करेंगे, उसी तरीके से सेम प्रोसेस है इसमें, इसका हम 10 फंदा इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों फंदा को इस तरीके से हम कर देते हैं, यहाँ देखिए इस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए इस तरीके से करेंगे और सेम देखिए उसी तरीके से हम इसमें भी जिस तरीके से हम, यह देखिए एक बार फिर आपको हम पहले वाले सॉक्स को दिखाते हैं। इस साइड हम अंगूठा बनाए थे, यह देखिए यह इस साइड से बना हुआ है, पहले हम अंगूठा बनाए थे लेफ्ट साइड का, अब राइट साइड का बना रहे हैं तो हम पहले हम इधर से बनाएंगे, उसके बाद हम इधर पंजा बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से एक फंदा इससे और एक फंदा इससे हम लेकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए वही प्रोसेस इसमें भी है, एक फंदा हम इससे और एक फंदा इससे, एक फंदा इससे और एक फंदा इससे, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे और एक पीछे, उसी तरीके से हमें इसे भी बुनकर तैयार कर लेना है, एक आगे से। और ध्यान रखकर आप फंदे को हमेशा अपने सिलाई पर एक आगे और एक पीछे हमेशा फंदा बराबर भाग करके लेना है। यह देखिए आगे से ले लिए एक, पीछे से लिए, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, अब एक सिलाई पर हो गया, क्योंकि हम दो सिलाई से बुन रहे हैं इसलिए हम आगे पीछे का फंदा लेकर बुनेंगे। अगर चार सिलाई पर बुनेंगे तो हम चार सिलाई पर सभी फंदे को डालेंगे। अब उसी तरीके से जैसे हम इस अंगूठे को बुने थे, इस अंगूठा को आपको हम पहले बता चुके हैं, इसी तरीके से हम इसे भी बुन लेंगे और इसे भी बुनकर हम तैयार कर लेंगे, अंगूठा बुन लेंगे। जब 6 रो कंप्लीट होगा तो एक एक फंदा दोनों साइड से हम घटाएंगे और इस पंजे को भी हम उठा लेंगे इसी तरीके से, और इसे भी हम 6 रो बुनने के बाद अपने अंगूठे के अनुसार पंजे के अनुसार बुनकर फिर दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो हम अब राइट साइड का जूती बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए यह हमारा अंगूठा बन गया है राइट साइड का, अब देख सकते हैं एक इधर से बन रहा है एक इधर से अंगूठा। अब इस तरीके का यहाँ जो हम दो पार्ट में बांटे थे फंदा को, वापस से इसी तरीके से इधर भी दो भाग में बांटकर
और हम यह पंजा यहाँ से यहाँ बना लेते हैं। तो अब हम राइट साइड का भी बना लेते हैं सॉक्स को। देखिए दोनों पाँव का सॉक्स या जूती भी बोल सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। यह देख सकते हैं आप, इस तरीके का हम एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का बनाए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह जो खुला हुआ भाग है इसे हम इस तरीके से लेंगे, जो ऊपर हम बॉर्डर बनाए थे यहाँ देखिए इस तरीके से हमें लेना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई कर देना है इस तरीके से। आप जिस तरीके से सिलाई करते हैं उस तरीके से सिलाई कर देंगे इसका, यहाँ इस तरीके से सिलाई करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो हम इसकी सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए हम सिलाई करते हुए अब लास्ट तक आ गए हैं। दूसरे पाँव का भी इसी तरीके से हम सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब सिलाई हो गया है यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस तरफ तो हो गया हमारा, यह एड़ी का सिलाई हुआ है। अब यहाँ देखिए यह जो उल्टा दिख रहा है आपको अंदर की ओर सीधा की ओर, यह उल्टा और यहाँ से जो उल्टा हम छोड़े थे यह दोनों को हम एक साथ इस तरीके से लेंगे, और इसकी सिलाई जो है हम इस तरीके से देखिए लगभग यहाँ से लेकर यहाँ 2 इंच का हम रख कर, और आप अपने पाँव से नाप लेंगे यहाँ से यहाँ पाँव अंदर जाने लायक। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ इसकी सिलाई टोटल इस साइड तक हम कर लेते हैं इस तरीके से। हमें इसकी सिलाई यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम इस तरीके से करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ देखिए हम यह 2 इंच लगभग सिलाई कर लिए हैं, और यह बीच का जो पीछे का जो था खुला हुआ भाग इसे भी हम इसी के साथ इस तरीके से लास्ट तक सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से लेते हुए जाएंगे, और यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। कि इस यहाँ तक सिलाई हो गई है इस तरीके से। यहाँ देखिए टोटल सिलाई हमारा एक यहाँ से यहाँ और बीच में खुला रहेगा, और इसे यहाँ तक हम सिलाई कर दिए हैं। इसी तरीके से हम इसकी भी सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से 2 इंच के बाद पीछे तक सिलाई कर लेते हैं। तो आपको एक बार इसे हम सीधा कर कर दिखा देते हैं कि यह किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। यह देख सकते हैं आप, इस तरीके का जो है हमारा सॉक्स या शूज जो भी बोलें बनकर तैयार हो गया है। इसे लेडीज और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। यह देखिए इस तरीके का हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेते हैं। कि हमारा दोनों पाँव का शूज बनकर तैयार हो गया है। एक बार आपको इसको हम पहनकर दिखाते हैं। अब देखिए हमारा दोनों पाँव का सॉक्स बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी सॉक्स या शूज ही बोल सकते हैं बनाकर पहने। इसे लेडीज जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। तो आप भी बनाएं और पहनें। मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।